तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पाठशाला पे। तो सबसे पहले अब बिग 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 थैंक यू टू ऑल। जी हाँ, कल ही हम लोगों ने 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए हैं। हमने पहला माइलस्टोन कंप्लीट किया अपना, और ये सब सिर्फ आपके कारण हो पाया है, आपके सपोर्ट, आपके ट्रस्ट के कारण हो पाया है। तो ऐसे ही हम पे अपना ट्रस्ट और सपोर्ट बनाए रखे, और हम पूरी मेहनत करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, हमारी पूरी टीम, कि इसी तरह के इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो आप तक पहुंचाते रहे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड बटन को प्रेस कर दीजिए, और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप सबको देना चाहता हूं कि आप में से बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो हमसे बात करना चाहते हैं, अपने डाउट्स और अपने प्रॉब्लम हमसे पूछना चाहते हैं। तो उन सभी के लिए हमारी टीम ने एक टेलीग्राम ग्रुप को बनाया है। जी हाँ, जहां आप जाके जिस ग्रुप को आप ज्वाइन करके अपनी जो भी डाउट्स है, जो भी प्रॉब्लम है, वहां पूछ सकते हैं, और हमारी पूरी टीम पूरा कोशिश करेगी कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने का। तो नीचे में अभी आपको नाम डिस्प्ले कर रहा होगा हमारे ग्रुप का, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप जाइए, उसे ज्वाइन कीजिए, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसे हमारे साथ डिस्कस कीजिए, हम जरूर उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्लास 10th और 12th के सीबीएसई के रिजल्ट आ गए हैं, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आए, या कम मार्क्स आ गए, किसी सब्जेक्ट में मार्क्स ही नहीं मिले, या फिर किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए। तो अभी उनके माइंड में ये निगेटिव थॉट्स बिल्डअप होने लगते हैं कि यार अब तो मुझसे कुछ नहीं होगा, अब तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, जो गोल फ्यूचर में सेट किया था वो अचीव नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा, कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा लाइफ में। तो यकीन मानिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ लाइफ का एक पहला स्टेज है, अभी शुरू ही हुआ है। ये यहाँ पे आपकी लाइफ खत्म नहीं, यहाँ से शुरू होती है। और फेल होना या फिर कम मार्क्स आना कोई गलत या फेलियर का निशानी नहीं है। गलत तब है जब आप उस चीज को लेके बैठ जाओ एक ही जगह पे, और सब कुछ सोचना बंद कर दो कि अब मुझसे नहीं होगा, अब मैं नहीं कर पाऊंगा। ये है फेलियर की निशानी, असली फेलियर यहां से शुरू हो जाता है आपकी लाइफ में। तो स्टूडेंट्स देखिए, रास्ता कभी बंद नहीं होता है जब तक आप हार नहीं माने। जी हाँ, हर एक चीज पॉसिबल है, हर एक माइलस्टोन अचीव करना पॉसिबल है। कब? जब आप हार नहीं माने, जब आप रुके नहीं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको चीजों को पॉजिटिवली फेस करना है, पॉजिटिवली टैकल करके उसे अचीव करना है, या फिर डर के एक जगह पे ही रुक जाना। तो द थिंग इज कि अभी जो भी सिचुएशन है हमारा, हमको उसको पॉजिटिव वे में एक्सेप्ट करना है, हमको उसको पॉजिटिव वे में लेना है, और खुद से बोलना है कि नहीं, मैं करूंगा, मेरा जो भी ड्रीम है उसे अचीव मैं करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी मेहनत करना पड़े, कितना भी जोर लगाना पड़े, मैं इसे जरूर किसी भी हाल में अचीव करके रहूंगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, जब आप ऐसा करते हो तो इससे सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले कि आपके माइंड में जितने भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे वो आना बंद हो जाएंगे। आप एक फ्रेश माइंड से सोच पाओगे कि आपको अब आगे क्या करना चाहिए। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपको इनकरेजमेंट मिलेगी आपके आगे बढ़ने के लिए, आगे के बारे में सोचने के लिए। बल्कि इसके अलावा ये नहीं कर रहे हैं कि आप एक ही जगह पे बैठ गए, अब सोच रहे हैं यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब तो रिजल्ट खराब आ गया, ये हो गया, वो हो गया। इससे 0.1% भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है जब तक आप चीजों को पॉजिटिवली फेस करके, उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचते हो। और स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा भी होता है कि हम कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, हम दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं कि यार उसके तो कम मार्क्स नहीं आए मेरे से, वो तो फेल नहीं किया, उसके तो मेरे से ज्यादा मार्क्स आए। तो सबसे पहले स्टूडेंट ये बात समझिए कि उसके जितने भी मार्क्स आए, वो चाहे टॉप करे या फेल करे, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, और आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको जो भी फर्क पड़ेगा, आप जो भी अर्न करोगे, जो भी लाइफ में अचीव करोगे, वो खुद की मेहनत से करोगे, खुद पे जो ट्रस्ट किया आपने, खुद जो पढ़ाई कर रहे हो, जो मेहनत कर रहे हो, उसके दम पे आप अचीव करोगे। तो बेटर ये रहेगा कि आप खुद पर ध्यान दो, ना कि आप ये सोचो कि उसके कितने मार्क्स आ गए। आप ये सोचो कि आप
खुद को कैसे बेस्ट कर सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। तो स्टूडेंट्स, जब आप ये सब करते हो तो सबसे पहले कि जितना भी स्ट्रेस था आपके माइंड में वो सब दूर हो जाएगा और आप एकदम रिलैक्स फील करोगे। तो अब यहाँ पे ये भी एक सवाल आता है कि हमारा जो पढ़ाई से मन उड़ जाता है, ये सब इन सब चीजों के कारण पढ़ने का मन नहीं करते रहता है, तो उसे वापस कंटिन्यू कैसे करें? तो इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक पेज लीजिए और उसपे सारे वो चीज राइट डाउन कीजिए जो आपको एक्चुअल में हैप्पी करते हैं, जो करने से आपको एक्चुअल में खुशी मिलती है। चाहे किसी फ्रेंड से बात कर लिया, कोई भी वीडियो देख लिया, कोई गेम खेल लिया, कुछ भी जो आपको एक्चुअल में हैप्पी फील कराती है, एक्चुअल में आप खुश होते हैं वो करके, आपको वो सारी चीजें करनी है। फिर जब आप ये सब चीज करोगे तो उसके बाद आपका जो एक दिन का गोल रहता है कि एक दिन में मुझे इतना चैप्टर कवर करना रहता है या इतना पोर्शन कंप्लीट करना है, आप उसको आवर्स में डिवाइड कर लो कि अभी मैं बैठ रहा हूं, नेक्स्ट एक घंटा में मुझे ये करना है, नेक्स्ट दो घंटा में मुझे इतना पोर्शन करना है। और छोटे छोटे गोल सेट करो, छोटे छोटे टारगेट सेट करो कि मुझे एक घंटा में इतना पोर्शन करना है, दो घंटा में इतना करना है, क्योंकि आप वो सब चीज जब कंप्लीट करोगे तो उससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आप उससे आगे सोच पाओगे कि अब आपको अब आगे कैसे करना है, आप मोटिवेट होगे, इनकरेज होगे और धीरे 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 आप अपने वापस से जो लाइफस्टाइल है, जो स्टडी पैटर्न है, उसको अचीव कर पाओगे, वापस उसमें आ पाओगे और फ्रेश माइंड से फिर से मेहनत कर सकोगे अपने गोल्स के लिए, आपने जो टारगेट सेट किया है उसे अचीव करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, बस आज के वीडियो में इतना ही, बस आपको यही रहना है कि आपको मोटिवेट रहना है, जो भी चीज है, जो भी जैसा भी सिचुएशन है, उसे एक्सेप्ट करके बोलना है नहीं, हम करेंगे, हम मेहनत करेंगे, जो भी सिचुएशन है हम उसे फेस करेंगे और जम के मेहनत करके अपने गोल को अचीव करेंगे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी डाउट है किसी भी चीज को लेके, तो आप नीचे लिंक है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, उसे ज्वाइन कीजिए, वहां पे आइए, हमसे पूछिए, बात कीजिए, हम जरूर उसका आंसर करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आपका प्रॉब्लम दूर हो सके। तो बस स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं फिर से अगले में आप लोगों से, तब तक के लिए स्टे एट होम, बी सेफ और जम के मेहनत करते रहिए। थैंक यू।